भाई पहुंच चुके हैं तकशंग यानी के टाइगर्स नेस्ट। रेडी फॉर हाइकिंग? रेडी फॉर हाइक? या। तो भाई सामने दिख रहा है हमें और अच्छी खासी ऊंचाई पर है बहुत और यार। पर मतलब तो लग रहा है लेकिन सुंदर भी बहुत जगह है ना। सुंदर लग रहा है ना बहुत। तो भाई अब देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको कि हम कहाँ जाएंगे। मैं नीचे से दिखा रहा हूँ अभी कि कहाँ पे जाना है, एग्जैक्टली क्या है टाइगर्स नेस्ट और क्यों फेमस है, यह दिखाता हूँ मैं आपको। तो दिख रहा है ऊपर कुछ? दिख रहा है तो बताओ, अब तो दिख रहा होगा। या हियर इट इज। ये है भाई, इसमें जाना है हमें यहाँ ऊपर। फ्रॉम हियर अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऊपर जाना बस, और सीधी खड़ी चढ़ाई ऊपर को। लोकल्स बोल रहे हैं उन्हें लगते हैं 2 से 2.5 घंटे, हम देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा और मुझे कितना टाइम लगेगा तो इसका भी है कि इसे कितना टाइम लगेगा। तो लेकिन मुझे जाना खुद ही। जाओगे खुद ही, घोड़े पे नहीं जाओगे? नहीं। ठीक है, तो एंट्री फीस कितनी बताई थी यार इन्होंने? 2000 पर पर्सन। या 2000 पर पर्सन। तो जो टूरिस्ट वगैरह हैं इनके लिए 2000 पर पर्सन की एंट्री फीस है, है ना? और दैट इज टू मच एक्चुअली। अब जो भी है मतलब ठीक है, 2000 एंट्री फीस है। और हाँ, जो लोकल्स हैं उन्हें जाना है उनके ट्रेडिशनल वेयर में। हम लोग हाँ, जो टूरिस्ट हैं, जो फॉरनर्स हैं, उन्हें वो जा सकते हैं किसी भी ड्रेसेस में, बट फुली फुली कवर्ड ड्रेस होनी चाहिए, है ना? तो फुली कवर्ड चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं। लोकल्स को तो किसी भी टेंपल में अगर विजिट करना है तो उनको अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहननी है। हाँ ठीक है, चलो भाई आप दिखाते हैं, ट्रैकिंग आ गए है ना। या। तो देखो भाई पहुंच गए टाइगर नेस्ट कैफे और वो रहा टाइगर नेस्ट जस्ट पीछे। तो ऑसम व्यू आ रहा है भाई यहाँ पर और बड़ी अच्छी है, ठंडा मौसम है, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो थोड़ी देर का रेस्ट लिया है यहाँ पे, एक मैंडेटरी ये हो जाता है कि थोड़ा आप आके अपना एंजॉय करो। देखो यहाँ पे कैसा कैसा है। एंड हाँ जी, कैसी थी कॉफ़ी? अच्छी थी बहुत अच्छी थी। हाँ, और व्यू कैसा है? अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा। आई थिंक अब ना बहुत स्टीप होने वाली है। हाँ तो कर लोगे? ऑफ कोर्स करूंगी। Yeah, that's the spirit. Mandatory photo तो बनती है ना फिर? पवन मेरी भी एक प्लीज। भाई ये व्यू आ रहा है देखो, और इससे गजब चीज एक और दिखाऊं, ये और टाइगर नेस्ट से भी ऊपर एक मंदिर है, वहां पे बुद्धिस्ट मंक मेडिटेट करते हैं। एंड उससे नीचे है, थोड़ा सा नीचे टाइगर नेस्ट। सबसे मेन चीज़ देखो खाई है नीचे, बिल्कुल सीधी सिर्फ खाई और खाई। तो यहाँ पे जाके ये कैसे बना है, यही बड़ी ताजुब वाली बात है। तो भाई पहुँच चुके हैं टाइगर नेस्ट और जितना बोला जाए इस जगह के बारे में कम है, है ना? सही में है? या। बहुत सुंदर जगह है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था हमने कि इतना बढ़िया होगा ये, और डेफिनेटली देखने लायक है ये। और मैं आपको दिखा देता हूँ सी तो देख रहा भाई देखने लायक जगह। और हम लोग आए हैं यहाँ कहीं से, इधर कहीं से आए हैं हम लोग, दिख रही नीचे गाड़ियाँ वाड़ियाँ ऐसे कुछ, यहाँ से आए हम। इधर आके ये देखने को मिल जाए ना तो
एकदम मन में शांति से पड़ गई। शूज हो गए कुछ ऐसे पूरे रास्ते में धूल धूलते, और ऐसी जगह देखो तो सब कुछ सही लगने लग जाता है। तो इसके बाद अब क्या होगा, ये देखो इसके ऊपर ऐसा है, ये एक ओल्ड मेडिटेशन पॉइंट है। तो भाई मजा आ गया है यहाँ आके ना, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर आऊंगी, है ना। मतलब कहाँ किस को दुनिया के किस कोने से और मैं यहाँ पहुँच गई। आई कांट बिलीव एक्चुअली ना, हाउ ब्यूटीफुल। कहाँ से कहाँ पहुँच गए पता नहीं चलता कभी कभी, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आज हम यहाँ आए हैं और आगे भी जाते रहेंगे। वी आर वेरी होपफुल टू दैट। 20 दिन के इस ट्रिप पे निकले थे हम, 7 दिन हो चुके हैं और पता ही नहीं चला ये 7 दिन कैसे चले गए। और हमने इन 7 दिनों में इतना कुछ देखा है ना, भूटान के बारे में इतना कुछ जाना है। और सच में ये देश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, और यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं। उन्हें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे। इस देश की सबसे बढ़िया बात मुझे लगी। तो इनका टारगेट पर लग गया है निशाना, तो उनकी टीम वाले करेंगे थोड़ा डांस टाइप का। That came down. Okay. Hit like the seal. तीर आ रहा है, तीर। वो गया वहाँ पे पीछे। चीज नहीं आ रही है। जरा से बच गया वो। 160 मीटर का है ये टारगेट, छोटा मोटा भी नहीं। भाई इनके पार्टनर ने एक और ने मार दिया निशाने पे तीर, और अब इन्हें एज पर ट्रेडिशन ये करते हैं इस पे। तो ये लग रहा है वहां से निशाना। एक 160 मीटर दूर हैं ये लोग। 160 मीटर तो ये हैं, काफ़ी बूढ़े से हैं ये, और जो 2 बार निशाना मारा है इन्होंने मारा है वो। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है। ऑलमोस्ट ये शायद से 60+ तो होंगे, 70+ से है। इज ऑलमोस्ट 70+। तो ये है पारो की मेन स्ट्रीट, पारो की गलियां जो हम कल घूम रहे थे ना, यही है वो। तो ये मेन स्ट्रीट है यहाँ का, मेन मार्केट टाइप का भी, और काफ़ी अच्छा मार्केट है। मतलब शाम को तो और भी सुंदर हो जाता, मतलब मज़ा ही आ जाता देखकर। तो जब आओ पारो तो यहाँ पे आप ज़रूर घूमना, काफ़ी शॉपिंग वॉपिंग के लिए सब के लिए बढ़िया एरिया है ये। तो भाई
अब हम पारो में हैं और हॉट स्टोन बाथ लेंगे अब, ठीक है ना। तो हॉट स्टोन बाथ होती क्या है कि भाई सारी थकान दूर हो जाएगी, बिल्कुल दूर दूर दूर। तो ऐसा है कि सारी थकान दूर होने का कैसा होगा कि भाई स्टोन्स को वो करते हैं बंद, मतलब आग में जलाते हैं स्टोन को, और स्टोन को जला के फिर पानी में डालते हैं, तो पानी में सारे मिनरल्स आ जाते हैं। फिर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के पत्ते वगैरह भी डालते हैं, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है वो। तो वो सब होना है, तो सारी आज की जो जितनी भी थकान है वो सारी थकान दूर होने वाली है। तो आई होप अब मज़ा आने वाला है। अभी तक तो थी भाई कि मेहनत कर रहे थे सुबह से, मेहनत मेहनत मेहनत, और अब करेंगे आराम, और फिर होगा डिनर, डिनर के बाद फिर से आराम। तो भाई मज़ा तो अब आएगा ज़िंदगी का, तो देखते हैं कि भाई कैसा एक्सपीरियंस होगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा हॉट स्टोन बात कैसे कैसे होता है वो देखने को मिल जाए। तो ये हमारा होम स्टे है, देख लो बाहर से एकदम ही ट्रेडिशनल स्टाइल बिल्डिंग, देख रहे हो व्यू। ये है व्यू हमारे होम स्टे से, गजब ही व्यू है भाई, गजब। देखो, और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, टाइगर नेस्ट का छोटा भाई, ये देखो, ये यहाँ पर है हमारे एकदम होम स्टे के पास। इसमें भी ऐसे ही है, यहाँ से पैदल पैदल जाना है, दिख रहा है रास्ता। बस बस ये है कि ज़्यादा पैदल नहीं जाना क्योंकि नीचे तक रोड है थोड़ा सा, और है बिल्कुल ये टाइगर नेस्ट जैसा। तो अभी हम हैं हॉट स्टोन बात के लिए, और ये कुछ ऐसा है फर्नेस टाइप का, इसमें डालेंगे लकड़ी और ये कुछ ऐसा हो जाता है, देख रहे हो। लकड़ी में पत्थर को करेंगे फुल गरम, एकदम मज़ेदार, ये देखो। प्रॉपर एकदम सेटअप ऐसा है, रेस्टिक सेटअप, और इसमें पत्थर ऐसे गरम करते हैं, ये नदी वगैरह के पत्थर होते हैं जनरली गोल गोल वाले जो होते हैं, और इसे आग में गरम करते हैं, तो इसके जो मिनरल्स हैं फिर वो पानी में आ जाते हैं जब इसे पानी में डालेंगे। तो पानी में डालने का है यहाँ पर, ओके। तो ये है देखो, ऐसे उठाते हैं, ये सबसे गर्म पत्थर उठाए इन्होंने और ये डाल दिया पानी में, ये। अब ये क्या कर रहा है कि ये पानी को हीट करता है, सबसे अंदर से खोद के निकाल रहे हैं वो पत्थर को, देख रहे बिल्कुल लाल है पत्थर। तो इससे क्या होता है ना कि पत्थर के जितने भी मिनरल्स हैं वो आ जाते हैं पानी में, ओके। बिल्कुल लाल लाल पत्थर, अंदर से निकाल रहे हैं। कड़क गरम कर दिया,